अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अन अकेडमी एंड टीम एवीपी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ खास करना चाहती है। दोस्तों, यही बात है ना कि हर बार ऐसा होता है कि आपकी टीम एवीपी आपको सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलवाती है, क्योंकि आपके प्री के लिए, आपके मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए हम तीनों सेक्शन के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हैं। गाइस, प्री के लिए पुनीत सर, अरुण सर, विशाल सर ने मेहनत की है। मेंस के लिए भी हम चरण मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब इंटरव्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं आपके? दोस्तों, तो हम तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आपको, लेकिन जब आपके बीच का कोई पर्सन, कोई बंदा, कोई बंदी बैंक में बैठते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, और जब वो आपसे कुछ बोलेंगे ना, तो शायद आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाओ, ये हम मानते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारे साथ अर्पित सर हैं, जो बेटा इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ हैं। दोस्तों, और गाइस, ये काफी डायनामिक पर्सनालिटी भी है। मतलब इनके बारे में बात करूं तो मैं इन्हें काफी टाइम से जानता हूं। इन्होंने काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, काफी अच्छा इनको एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इनसे इनसे बात करें, इनसे सुने। और दोस्तों, जो ये अपनी बातें बताएंगे, आप ध्यान सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए कि बैंक में जॉब करना क्यों जरूरी है, मतलब क्या अच्छा है बैंक में, क्या करियर ग्रोथ है आपके पास, एंड ऑफ कोर्स हाँ, सैलरी में क्या ग्रोथ मिलती है, सब कुछ हम बात करेंगे आपसे। तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। तो सर, आपके ऊपर आते हैं, तो आपके वेलकम अमित सर, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में क्या आप, मतलब क्या इस समय हैं और कैसे आपने ये पोस्ट अचीव किया, बच्चों को सारी बात बताइए खुल के। सर, मैं बेसिकली हरियाणा में करनाल से बिलोंग करता हूँ जी और करेंटली अभी मैं SBI में एज अ CEO वर्क कर रहा हूँ और हरियाणा में मेरी पोस्टिंग है। मैंने SBI 2021 एग्जाम को क्लियर किया और 21 में मैंने टोटल तीन बैंकिंग के एग्जाम्स क्लियर किए, SBI PO, IBPS PO एंड IBPS प्लस। दो इंटरव्यूज दिए मैंने SBI का और IBPS का और दोनों ही मेरे क्लियर होके मैंने SBI को ज्वाइन किया। उससे पहले सर मेरे को डिफेंस में जाने का काफ़ी क्रेज था। मेरे सैनिक स्कूल से स्कूलिंग हुई, स्कूलिंग के बाद मैं आफ्टर 12th आई वॉज रिकमेंडेड फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी बोथ, बट मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाया था। फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने UPS की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज CAPF का एग्ज़ाम क्लियर किया, UPSC इंटरव्यू के लिए अपियर हुआ, उसे क्लियर किया और फाइनली मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था। बट उससे पहले मैं SBI को ज्वाइन कर चुका था और मैंने अपने SBI को ही ओवरऑल सब कंपेयर करने के बाद मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना ज़्यादा बेटर लगा और मैंने SBI में ही अपने करियर को कंटिन्यू किया। SBI ज्वाइन करने के अराउंड 9 months के अंदर ही सर मैंने JIB और CIB दोनों एग्जाम्स क्लियर कर दिए। तो इस तरीके से मतलब मेरा थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड और मेरा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक वो था कि कंप्लीट हुआ, फाइनली मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब जॉब कर रहा हूँ। उसके अलावा सर मुझे स्टूडेंट से बातें करना, उन्हें गाइड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक निकला हुआ हूँ। एक टाइम था कि हमारे पास भी गाइडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इंटरव्यू से पहले लगता था जाके कि पता नहीं कौन इंटरव्यू लेगा, किस तरीके से इंटरव्यू हमारा प्रोग्रेस करेगा। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ जितना भी ज़्यादा, तो उनके वेलफेयर के लिए जितना उनको मिल पाए वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। बढ़िया सर। तो दोस्तों, अर्पित सर ने अपने लाइफ के बारे में बातें बताई। इन्होंने एक साथ ही मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IBPS PUN करके क्वालिफाई किया था और आए फिर स्टेट बैंक में ज्वाइन किया। उसके बाद डिफेंस की आप बात करें, उसके पहले तो डिफेंस की बात करें, डिफेंस में भी सर सेलेक्ट हो गए थे, बट मेडिकल कुछ ग्राउंड से सिलेक्शन नहीं हो पाया। UPSC की बात करें तो ये एक पर्सनैलिटी होती है, लाइफ में हार ना मानना और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये आप लोग सीख सकते हैं अर्पित सर से। अच्छा अर्पित सर, लाइफ चेंज हो गई। पहले आप एक विद्यार्थी थे, एट द टाइम ऑफ मतलब जब हम स्टूडेंट होते हैं मतलब, तो काफी ज्यादा प्रेशर होते हैं हमारे ऊपर, मतलब पैसे के होते हैं प्रेशर, इतने सारे महंगे फॉर्म हो गए भरने होते हैं, स्पीड टेस्ट देना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, क्लासेस देखनी होती हैं, घर वालों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं वो तो हमको मार डालना चाहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सिलेक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये सब जो प्रेशर्स है वो अभी आपने देखा, अभी आप बैंक पीओ हो चुके हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि सर बैंकर एक ऐसा पोस्ट होता है कि शहर का डीएम भी हो, एमएलए भी हो, एमपी भी हो, सबको आपके पास ही आना है सर। डॉक्टर भी हो तब भी वो आपके साथ आएगा, है ना। तो गाइस सर, आप क्योंकि आप पैसे मैनेज कर रहे होते हो, तो एक पोस्ट तो है हमारे यहाँ भी सर, अभी
मतलब एक बैंकर हुए हैं, तो मतलब लोग कहते हैं कि यार ये बैंक पीओ है, लेकिन स्टेटस मिल जाता है। तो लाइफ चेंज कैसे हुई आपकी, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखो सर, जैसे आपने बताया कि पहले स्टूडेंट फेज में थे तो उधर ऑब्वियसली टाइम काफी ज्यादा होता है, हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम जॉब के फेज में आते हैं, सर्विस रोल में आते हैं, तो माइंडसेट काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। उस टाइम पे लगता था ठीक है कि एक गवर्नमेंट स्टेबल जॉब होनी चाहिए, इतनी हमारी सैलरीज होनी चाहिए, बट इसके आने के बाद फाइनेंशियली अपने आप को हैंडल करना, अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना, वो सारी चीजें काफी ज्यादा बदल जाती हैं। जैसे आपने बताया कि बैंकिंग जो एक जॉब है उसमें सभी तो आपसे काम पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तो जैसे स्ट्रक्चर आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक का कैसे होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरली जो अकाउंट्स होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेटल करता है। बट जैसे स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, यूपी का आई गेस पीएनबी है, हरियाणा जी में स्टेट बैंक है, तो हर स्टेट के भी बैंक होते हैं। कई बार कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज बैंक के पास आते हैं। जी जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं, तो कई बार जो स्टेट के डीएम होते हैं तो ब्रांच मैनेजर्स की उनके साथ मीटिंग होती है, उनके प्रोग्रेस को बिल्कुल चेक करने के बिल्कुल लिए कि बिल्कुल वो क्या प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो बैंकिंग जो है अपने आप में एक इट्स अ पीपल जॉब, जहाँ पे आपको मिलना होता है क्लाइंट्स के साथ, डीलिंग करनी होती है, एक अच्छा रेपो और अपना एक अच्छा कंडक्ट बना के रखना होता है। तो उस वे में ऑल टुगेदर लाइफ चेंज हो जाती है। आपका नेटवर्क और सर्कल आपको इंक्रीज हो जाता है, और लोगों से बात करने का तरीका, सॉफ्ट स्किल्स, डीलिंग कैसे आती है, आपको बना के रखनी है लोगों के साथ, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं बैंक ज्वाइन करने के बाद। और जो प्रेशर की आपने बात बताई सर, वो तो खैर हमारे इंडिया की सच्चाई है। जब आप इतनी कॉस्टली एजुकेशन हो गई आज की डेट में करने के बाद निकलते हैं, फिर आपका भी मन होता है कि हाँ जॉब मिले तो यार उसमें एक स्टेटस भी हो, एक सैलरी भी अच्छी हो। तो बैंक वो चीज़ आपको ऑफर करते हैं, जो सैलरी लेवल होता है बैंक का वो काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक स्टेटस भी अच्छा मिलता है, और होने के बाद ऑब्वियसली चलो खुशी तो होती है जब लोग आपसे आके पूछते हैं कि अरे क्या किया था, कैसे किया था, हमें भी करना है, तो वो चीज़ तो फिर अच्छी लगती है हमेशा। जी, तो बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमारी बातों को। आई आई होप कि मतलब जो हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट हैं वो इन सारी बातों को समझेंगे, हम इससे मोटिवेट भी होंगे। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने भी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वालिफाई किया था तो आपने भी हर्डल फेस किया था इंटरव्यू का, तो आपने इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी की हुई थी और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? इंटरव्यू एक्चुअली बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर होता है। आप जाने से पहले हमेशा सोचते रहते हो, पहले तो अपनी प्रोफाइल पे सब लोगों को बड़ा डाउट होता है। मैंने इसको बड़ा कॉमन वो देखा है बच्चों के बीच में, अरे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमने तो बीटेक करी है, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं लगेगा कि अरे तुम बीटेक करके या बीएससी करके यहाँ पे क्यों आ रहे हो, या फिर ये कि ये मुझे 2 साल 3 साल 4 साल का गैप हो गया है, वो तो नहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन इंटरव्यू ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, उनका कैसे मूड आपके साथ सेट है। तो इसीलिए जब भी कोई मेरा मतलब स्टूडेंट्स वगैरह जो कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, कई बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो हमेशा इसीलिए को ट्राई करता है इंटरव्यू का एक ओवरऑल व्यू बताने के लिए कि इस तरीके से कंडक्ट होता है, इस तरीके से अप्रोच करना होता है, ना कि एक स्पेसिफिक वन साइज फिट ऑल अप्रोच बता दें। अगर मैं स्पेसिफिक अपने एसबीआई के इंटरव्यू के बारे में बात करूं, तो एसबीआई में मेरे से मतलब मेरे काफ़ी अच्छे और स्मूथ वे में इंटरव्यू गया था। तो मेरी हॉबीज के ऊपर काफ़ी बात करी, मैं अपने कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता था ड्रामेटिक्स वगैरह में, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हुई। फॉर्चुनेटली मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ध्यान आया, आपने पूछा कि जब मैं वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था, तो एक न्यूज से जस्ट वन डे पहले एसबीआई के प्रॉफिट फिगर्स आए थे उस क्वार्टर के, तो वो क्वेश्चन उन्होंने डॉट मुझसे पूछा, और जस्ट मैं क्योंकि तो वो पढ़कर गया था, बट वो फिगर काफ़ी बड़ी होती है, उसमें तो डेसिमल करके 3 डिजिट तक जाता है, बट वो मुझे ध्यान था, तो मैंने एक्यूरेटली वो चीज़ वहाँ पर बता दी। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारा अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। IBPS में जब मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा PNB के सर्कल ऑफिस में चंडीगढ़ में इंटरव्यू था, तो उन्होंने मेरे एक बेसिक बैंकिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि एक ओवरऑल बैंकिंग की रेजीम कैसे होती है इंडिया में, अलग अलग टाइप के बैंक क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या होते हैं, बैंकिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट अप करे, रेपो रेट एंड ऑल इन सब चीज़ों के रिलेटेड। तो इस टाइप के मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पर। बढ़िया सर, वेरी गुड। तो सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बैंक एग्जाम में जब जाते ही हो, आप प्री क्वालिफाई करते हो, मेंस फेल करते हो, मतलब सर अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज तो हम चेक कर लेते हैं ना आपका, कि आपने भाई नॉलेज तो है आपके पास, क्वांट की, रीजनिंग की, लॉजिकल नॉलेज भी है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो आप, जीए भी आप जानते हो, तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो तो हमने चेक कर लिया था ना प्री मेंस में।
तो इंटरव्यू होता ही क्यों, ये क्यों एक हर्डल लगाया गया है, और इससे क्या बैंक को फायदा होता है और इससे क्या फायदा होता है कैंडिडेट को, ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके, मैंने बेसिक्स अपने इंटरव्यू के तो थोड़े आपके साथ शेयर करे। अब आपने जी पूछा जी जी कि इंटरव्यू अपनी जगह पर है क्यों, तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन एक उसके आंसर करना चाहूँगा कि बैंक पीओ को रिक्रूट ही क्यों करता है, कि बैंक के पास अलग एंट्रीज भी होती हैं। अगर हम ब्रॉडर उस पर देखते हैं तो कैंडिडेट्स को पता होता है कि क्लरिकल से बैंक में जा सकते हैं, पीओ से बैंक में डायरेक्ट ऑफिसर जा सकते हैं, बट बैंक के पास अपने कुछ और भी तरीके होते हैं। जैसे क्लरिकल एक नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम पीरियड में प्रमोट होकर ऑफिसर जाते हैं, या क्लरिकल जो होता है स्टाफ वो कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट्स को या अपने क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम देकर पास ट्रैक रेनो से नॉर्मल ड्यूरेशन से कम टाइम में ऑफिसर बन सकते हैं, और फोर्थ अपने पीओ होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। फिर जी ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि पीओ जो होते हैं बैंक के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स माने जाते हैं, और बैंक बहुत ज्यादा वैल्यू करता है अपने पीओ के, और इनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली एक ऑफिसर लेवल पे रिक्रूट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि बैंक एक पीओ में अपना हाई एंड ऑफिशियल देख रहा होता है। अगर थोड़े से हाई लेवल पे बात करें, जैसे ब्रांच मैनेजर से आप 2-3 प्रमोट होकर ब्रांच मैनेजर्स बनते हैं, और उसके भी ऊपर आप जाके जनरल मैनेजर्स हो गए, डीजीएम हो गए, या फिर इनफैक्ट चेयरमैन तक जो पीओ होता है वो वहां तक पहुंचाए जाते हैं। कंपैरेटिवली जो अदर वे ऑफ एंट्रीज होती हैं वो उतनी ज्यादा हाई लेवल पर प्रमोट नहीं होते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि ऑल टुगेदर नहीं होते हैं प्रमोट, बट जो प्रपोर्शन में देखें तो पीओ का प्रमोशन ज्यादा आगे तक होता है। जी इस जी रीजन से वो इसी पेज पर एक कैंडिडेट के साथ बात करके उनका ओवरऑल माइंडसेट चेक करना चाहते हैं कि इनके अंदर वो रैपोर्ट डेवलप करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, आप बातें कैसे करते हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी है। तो ऐसा तो नहीं है तो बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें फीड करनी पड़े ट्रेनिंग के टाइम पर। तो इस रीजन से ये इंटरव्यू अपनी जगह पर होता है। जी और सर मुझे लगता है कि बैंक इज अ सर्विस इंडस्ट्री ना, बैंक जो है, और सर्विस हाँ जी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जिस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का या बैंक का एम्प्लॉय जितना एफिशिएंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ना ग्रो करता है ना सर। एग्जैक्टली तो मतलब आजकल के जो मतलब पीओ का रोल है, तो मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आप ब्रांच में बैठे हो और आप कस्टमर से केवल डिपॉजिट और लोन की बात कर रहे हो। आजकल म्यूचुअल फंड्स, बैंक एश्योरेंस एंड लाइक ट्रेडिंग की बात हम कर लें, डीमैट अकाउंट की बात कर लें, काफी कुछ नई चीजें आ गई हैं बैंक में। तो आपको एज एम्प्लॉय हर चीज पता होनी चाहिए, और आप किस तरह एकदम से बैंक के प्रॉफिट डेवलपमेंट में, मतलब प्रॉफिट में आप कर रहे पार्टिसिपेट, वो बहुत जरूरी हो गया है ना सर। तो ये सब चीजें तो हैं, और बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरती आपने एक्सप्लेन किया सर, बहुत बढ़िया। सर अब मैं सोचता हूँ कि बच्चों को सर मोटिवेशन मिले, बैंक पीओ की जॉब कितनी लुक्रेटिव है, क्या लगता है आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ सैलरी? देखिए हमने प्रमोशन की बात तो कर ली यहाँ पर, कैसे सर, मैंने देखा कि अक्सर बैंक के जो एमडी सीईओ होते हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करें तो एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं बैंक को, अब वो एमडी से चले जाते हैं वो लोग। तो मतलब प्रमोशन का तो काफी स्कोप है, प्रमोशन का काफी स्कोप है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मतलब लुक्रेटिव जॉब की, मतलब की सैलरी में क्या आपको मिलता है, या कैसे, जैसे लीज रेंट पे मिलता है, ये सब कुछ बताइए ताकि बच्चे मोटिवेट हो हमारे। सर, आपने प्रमोशन की बात करी तो मैं प्रमोशन से स्टार्ट करता हूँ। तो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हाँ प्रमोशन बहुत स्मूथ, फेयर और टाइमली होते हैं। तो जी आप आजकल स्टेट बैंक में तो चलिए फास्ट ट्रैक पॉलिसी उतनी ज़्यादा नहीं अब नहीं चल रही है। कुछ बैंक हैं जैसे पीएनबी वगैरह में वहाँ पे अभी भी फास्ट ट्रैक पॉलिसी है, तो आप 2 साल के बाद ही सीधा आपका एक प्रमोशन हो जाता है। बट आप एक समझिए कि लाइक जो पीओ होता है उसके लिए अगर एक नॉर्मल वे में पीओ अपना काम करता रहे और आगे प्रमोट होता रहे तो एक पीओ अपने रिटायरमेंट तक लाइक 30 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद एमडी तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद है, जो ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग एरियाज घूमना चाहते हैं इंडिया के, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाती है जॉब। सैलरी के टर्म्स में अगेन मैं कहूँगा कि बैंक की जॉब में सिर्फ हम यूजुअली सैलरी को ही कंसिडर करके देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, वो भी अपने आप में। अगर आप टीटीसी कंपोनेंट देखें, अगर आप लीज अकोमोडेशन को इंक्लूड करें इसमें, अलाउंसेस हो गए, अलाउंसेस भी जैसे कुछ मंथली अलाउंसेज होते हैं, कुछ हमारे क्वार्टरली अलाउंसेज होते हैं, कुछ हमारे ईयरली अलाउंसेज होते हैं, प्लस हर ट्रांसफरेबल पर एक काफ़ी अच्छा अमाउंट हमें दिया जाता है। सारा फर्नीचर के लिए अलाउंसेस मिलते हैं,
तो सैलरी जो होती है यहाँ पे सीपीसी के टर्म्स में 1 लाख प्लस ही होती है बैंक में, जो कि काफी एक हैंडसम पैकेज है बिल्कुल स्टार्टिंग में। बट उसके अलावा जो मेन फायदा होता है बैंक में होता है लोन्स का। ये कुछ ही लोग इस बारे में सोच पाते हैं, क्योंकि जब एक इंसान जॉब करेगा, वो प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, तो उसको घर भी बनाना होगा। शायद आपने भी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचा, हम भी सोचते हैं ज्वाइन करने के बाद कि घर बनाना है, कार लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है या फॉरन में उनको पढ़ाना है। तो हर चीज़ के लिए सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आप ऐसा समझिए, अगर किसी की एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय जो बैंक से लोन लेता है, अगर उनकी 100 रुपीज़ की ईएमआई बनती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी भी चीज़ से होम लोन लिया, तो बैंक एम्प्लॉय की वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं बनेगी। पर क्योंकि ये काम करने सभी को है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, तो अल्टीमेटली जो आपकी कॉस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो जिस भी टाइप के आपको लोन वहाँ पे मिलते हैं, आपको पर्सनल लोन एक बैंक में थोड़ा अलग वे में मिलता है, आपके पीएफ के अगेंस्ट में मिलता है, बट वो भी आपको बहुत कम रेट पे वहाँ पे मिल जाता है। तो इस समय बैंक की जॉब अपने आप में काफ़ी लुक्रेटिव है, और कहीं ना कहीं बैंक के एम्प्लॉय से सबको काम पड़ ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। तो मैंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया, मेरे कॉलेज के जो दोस्त वगैरह जो आउट ऑफ टच हो गए थे, जो पब्लिक सेक्टर में गए या जैसे भी, तब उनके कभी ना कभी कॉल आ जाते हैं कि ये कैसे है SBI में, और इस बैंक में कोई है कि इनसे कि थोड़ा मेरे को बता दो, लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, ये चीज़ कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे काम पड़ ही जाता है बैंक में, तो सही है, इसलिए मैं काफ़ी लुक्रेटिव जॉब है। बढ़िया सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे इंटरव्यू रिगार्डिंग सर, मतलब बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मिस लीडिंग इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब अगर हमने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो हमारे साथ इंटरव्यू ना हो, जो MBA फाइनेंस से आते हैं या फॉर एग्जाम्पल BTEC MTEC वाले आते हैं उनकी पहले लग जाए। तो मैं बस सबसे ज्यादा पूछना है सर कि चूंकि अब आपको एक्सपीरियंस है पैनल का भी, कि एज अ पैनलिस्ट आप लोग क्या देखते हो बच्चों में क्वालिटी, तो उस क्वालिटी को ब्रीफ में बताइए, आप प्रॉपर ब्रीफ बताइए कि मतलब हम क्या देखते हैं क्वालिटी बच्चों के अंदर, हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, डिग्री मायने करती कि नहीं करती है, या फॉर एग्जाम्पल सर एक कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं मुझसे पूछते हैं सर क्या हमें इंग्लिश में बोलना है, क्या हमें हिंदी बोलना है, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सब पूरी बातें आप ब्रीफ में बताएं सर, टाइम लें अपना, ताकि बच्चों को ये पॉइंट बड़ा क्लियर हो जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जी काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैं साइंस पढ़ के, इंजीनियरिंग पढ़ के यहाँ पर आ रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो PhD चल रही थी उसकी, छोड़ कर भी यहाँ पर आए, बायोटेक बायो से लोगों ने स्विच किया, बैंक में स्विच किया। तो डिग्री मैटर नहीं करती है। आप वो जो 10 15 20 मिनट का इंटरव्यू आपका चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बैंक है आपका, आप उसमें किस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बोर्ड के साथ कैसे कर रेपो डेवलप कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको ये दिखा पाते हैं कि मेरे सबसे सीनियर जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके साथ कैसे डील कर रहा हूँ, कोई लेडी बैठी है तो मैं उनके साथ कैसे डील कर रहा हूँ, तो आप मार्क्स गेन करते हैं रादर देन योर डिग्री। क्योंकि अगर आप इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखें बैंक की, तो उसमें क्लियरली बस एक लाइन मैंशन होती है कि एनी ग्रेजुएट, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कोई प्रेफरेंस है सच नहीं है। तो ये जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, उससे पहले की काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस और ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग में चल रही होती है, जी तो उस चीज़ को मेरे अकॉर्डिंग तो आप जिस वे में इंटरव्यू देंगे आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग मिलेंगे। और आपको अगर अपने डोमेन की नॉलेज है, स्पेसिफिकली अगर कोई बच्चा कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पढ़ के वहाँ पर जा रहा है, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि बैंक वालों को जो ओवरऑल प्रोफाइल है इट इज मोर रिलेटेड टू दिस साइड, तो उनसे क्वेश्चन इस टाइप के ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं रादर देन इंजीनियर। ऐसा नहीं कि उनसे पुटअप नहीं किए जाएंगे, बट इधर से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको अपनी डोमेन नॉलेज कैसी है, अगर थोड़ी कम भी है तो आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, वो मैटर करता है। जी क्या सर देखा जाता है सर इंटरव्यू में, नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैटर करती हैं, लेकिन लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कई जगह पर है, जैसे आप कहीं पे जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश में बोले, वो मैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक इंटरव्यू के लिए बात कर रहा हूँ कि आपकी जो लैंग्वेज है आपको नहीं इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आप कॉन्फिडेंटली अगर उन्हें बोलते हैं सर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि मुझसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ ले जाए, और आप बोलते बोलते आप इस तरीके से शो करते हैं कि कुछ आपने इंग्लिश के वर्ड यूज करे या एक आधी लाइन आपने इंग्लिश की यूज करे, कि ऐसा नहीं कि मैं टोटली जीरो हूँ, हाँ मैं थोड़ा बहुत काम करा सकता हूँ इंग्लिश में, कोई मुझसे इंग्लिश में बात करेगा मैं कम्युनिकेट कर लूंगा। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। SBI में आपके पास ये थोड़ी लिबर्टी होती है कि आप हिंदी और इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी बैंक्स में नॉर्मली जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो खुद ही आपसे हिंदी में परस्यू करते हैं। और ये भी एक आपके रेपो डेवलप करने का पार्ट होता है कि जैसे मैंने इंग्लिश चूज किया उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बट उन्होंने वहाँ से जो मुझसे क्वेश्चन पहला पूछा CGM सर ने, ये हिंदी में था। तो आप कैसे ऐसे
लैंग्वेज चेंज को डील करते हैं तो वो भी बड़ा मैटर करता है। उसके अलावा द वे यू कैरी योर सेल्फ, कैरी करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सूट वूट पहन के टाई लगा के एकदम महंगे कपड़े पहन के जाना है, अगर आप सिंपल, अगर सर्दी का टाइम अगर आप स्वेटर भी पहन रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल जिस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर देखी जाती हैं। आपकी बैंकिंग की नॉलेज की, आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बैंक में, क्योंकि वहाँ बैठ के हर बच्चा ये बोलता है कि मैं जेन्युइनली बैंकिंग में आना चाहता हूँ, और उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, तो जब आप बताएंगे कि सर ये चीज़ें बैंकिंग में अच्छी लगती हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग वहाँ पर होगी। तो बैंकिंग की बेसिक नॉलेज, ऑब्वियसली इन डेप्थ नॉलेज जाके कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं पूछेंगे वो, बट हाँ जैसे कुछ स्कीम्स वगैरह जो बैंक इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ से बात की जाती है। जी बाकी सर लास्ट में मैं एक ही जरूर बात करना चाहता हूँ कि बैंक के जो इंटरव्यूज हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। कोई भी इंटरव्यू, सिर्फ बैंक के लिए कोई भी इंटरव्यू इन जनरल एक प्रोसेस ही सब्जेक्टिव होता है। तो जब भी कोई मतलब स्टूडेंट ऐसे मिलता है, मैंने पहले बताया, तो मैं कोशिश रहती है कि उन्हें बताऊँ कि हॉलिस्टिक वे में बैंकिंग का जो इंटरव्यू है उसमें किस 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 टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्या प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, डेप्थ में जा रहे हैं तो आपको कहाँ पे जाके रुकना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग बैंक के कई बार बच्चे होते हैं जो क्लरिकल से पीओ का एग्जाम देते हैं, उनसे किस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है, तो इस टाइप की चीज़ें एक ओवरऑल व्यू उनके सामने प्रेजेंट करना बच्चों के सामने जरूरी हो जाता है ताकि प्रोसेस को समझ पाए। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। मतलब काफी आपकी बातें सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मतलब जो बैंक है वो सेफ हैंड्स में है। और थैंक काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया यू। चीजों को। डेफिनेटली जो हमारे बच्चे इससे देखेंगे उन्हें जरूर से फायदा मिलेगा। अभी सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, और इसका आभार रहेगा। और अभी सर अब हम बच्चों को बताएंगे अपने कोर्स के बारे में, आप चाहें तो हमें आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ऑल माई प्लेजर आपसे बात करके, और आपसे इतने टाइम के बाद मिलना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और अगर जी किसी भी बच्चों के लिए जितनी भी मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कुछ स्ट्रगल जो मैंने देखे, तो मैं ही मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी उससे मिलकर। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा कि अर्पित कौशिक सर हमारे साथ थे, इन्होंने काफी अच्छी बातें बताई आपको कैसे हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं गाइस, और क्या इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू का हमारे सिलेक्शन में। और दोस्तों बैंक एग्जाम क्यों देना चाहिए हमें, एंड देन बैंक पीओ की लाइफ कैसी होती है, क्या आपको पर्क्स अलाउंस मिलेंगे, क्या आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी बातें हमें बताई गई हम मोटिवेट करने के लिए बेसिकली। तो गाइस ये जो हर्डल है इसमें अनअकैडमी आपको कैसे हेल्प करेगी दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों मेरी कुछ बातें यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताऊंगा। जैसे गाइस तो दोस्तों अनअकैडमी ने आपके लिए क्या किया है, अनअकैडमी ने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है, इंटरव्यू का बैच है दोस्तों। और इस बैच की बात करें बेटा हम लोग, अगर आपको आपके लिए ये बैच आपको कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, या अनअकैडमी की जो वेबसाइट है उस पे आपको जाना है बेटा। हाँ देखिए करना कुछ नहीं दोस्तों, कि आप जब खोलते हैं अपना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐप है या वेबसाइट है, अगर आप आज पहली बार ऐप पर आए हैं, वेबसाइट पर आए हैं, तो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना होता है और लॉग इन करना होता है, ठीक है। जब आप करते हैं लॉग इन तो आपके सामने यहाँ पर चूज योर गोल का ऑप्शन आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बैंक एग्जाम चूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप पहली बार आए आपके सामने चूज योर गोल का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहले से यूजर है गाइस तो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने अपनी कैटेगरी चूज की होगी वो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक बेटा आपको एड अंडर गोल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने दोस्तों, जब आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने ऐसे पेज खुलेगा जहां पे गाइस क्या है, यहाँ पर आप सामने गवर्नमेंट एग्जाम ये देख पा रहे हैं आप, गवर्नमेंट एग्जाम आपको इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब इस पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों तो आपके सामने सारी कैटेगरीज खुल जाएंगी गवर्नमेंट एग्जाम की। यहाँ पर देखिए तो बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम है ना दोस्तों, थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग तो हमें दोस्तों क्या है यहाँ पर बैंक इंटरव्यू यहाँ पर दोस्तों मिल जा रहा है ना। इस पे हम क्लिक करेंगे गाइस, जब इस पे हम क्लिक करेंगे बैंक इंटरव्यू पर, देखिए हमारे सामने दो पेज खुल के आएंगे दोस्तों। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट लेना है दोस्तों तो आप ये जो पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा कंप्लीट बैंक एग्जाम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2024, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनरोल नाउ पे। जब आप क्लिक कर लेंगे दोस्तों आपके सामने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी आ जाएगी, ऑल बैंक एग्जाम इंटरव्यू प्रिपरेशन 2024 दोस्तों, यानी इस बैच से आपके हर एग्जाम का, हर इंटरव्यू का तैयारी दोस्तों हो जाएगा, ठीक। फीस इतनी है भाई लोग, तो फीस इतनी है 999, ठीक है। आपको नीचे बैच के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, ठीक।
बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन है, मेरी प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आपके हैं तो आपके पास फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी है दोस्तों, जहां से आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और बैच के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन बैच का ऑप्शन यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, आप जो ज्वाइन बैच का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने चूज अ पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा। तो ये आपके ऊपर आप कैसे करते हो गाइस, फॉर एग्जाम्पल यूपीआई से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या वॉलेट से, तो ये आपके ऊपर आप कैसे क्लिक करते हो बेटा। बस एक बात ध्यान देना, एडमिशन के टाइम पर आपको हमारा कोड डालना पड़ेगा। हमारा कोड है ना, हैव अ रेफरल कोड ही है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कोड आप डाल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कोड है AVP, ठीक है, आप इस कोड बेटा डालोगे ना तो आपको बेटा इस कोड पे क्या अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए तो ये आपका जो बैच है वो 749 का दोस्तों हो जाएगा, तो हमारा कोड भी याद रखेगा AVP दोस्तों। ठीक, तो गाइस मैंने क्या बताया आपको, तो मैंने बेटा आपसे बोला कि अगर आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहीं से आप पेमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक और पेज भी हमारे पास है दोस्तों, ये देखिए, अगर आपको इस बैच के बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन लेना है तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं ज्वाइन द बैंक एग्जाम 23 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अब गाइस इस बैच में क्या होने वाला है दोस्तों, अर्पित कौशिक सर जो भी मिले थे हमको क्लास में, एसपी कटारिया सर, ये लोग दोस्तों मॉक टेस्ट आपका लेंगे, 1-to-1 लेंगे, और मैं आपको मॉक टेस्ट में भी हेल्प करूंगा और एज वेल एज दोस्तों मैं आपको हेल्प करूंगा फाइनेंशियल नॉलेज और टॉपिक्स। ठीक है, तो बैच इस तरह डिजाइन किया गया है दोस्तों। हाँ बेटा, इस बैच में क्या देखिए, इस बैच में अपनी चाहिए तो क्रैक बैंक इंटरव्यू, आपको बैच के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन तो है दोस्तों। इसके अलावा तो ऐसा, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल इस बैच के बारे में बात करते हैं, एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अच्छी बात क्या है दोस्तों, जब बेटा आप क्लिक करते हैं तो आपको इस बैच के बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गेट सिलेक्टेड इन टॉप PSU बैंक्स, बी अहेड ऑफ द गेम विथ आवर एक्सक्लूसिव बैंक एग्जाम इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स दोस्तों। तो बेटा इस कोर्स में आपको पूरा हाईलाइट इस पे जो दिया गया है, हमारे कोर्स कैसे होने वाला है, आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू मिलेगा। एक बात और बोलता हूँ, जब आप लोग बैच परचेस करते हैं ठीक है, तो 1-2 दिन के बाद आपके मेल पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका मॉक इंटरव्यू कब होने वाला है। आपको खुद डेट सेलेक्ट करना है, तो आपका मॉक इंटरव्यू बेटा मेल चेक करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपको लिंक मिलती रहती है। ठीक है, आपकी जो क्लास है वो लाइव क्लास देख लो आप, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो रिकॉर्ड देख लो। फीडबैक सेशन बेटा यहाँ पे, कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेंगे तो हम फीडबैक देंगे आपको कि कहाँ पे गलती आप कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। एंड टॉप एजुकेटर्स गाइस, मतलब वी हैव टॉप बैंकर्स एज वेल एज गाइस, मैं अपनी बात हूँ, मैं भी इस बैच में हूँ, तो आपको हमारा सारा सब सारा जो गाइडेंस है वो मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, तो मीट आवर बैंक एग्जाम इंटरव्यू पैनलिस्ट दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्पित सर है, तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO, IBS PO, क्लरिकल दोस्तों, UPSC, CAPF, ये सब एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। SP कटारिया सर दोस्तों, ये चीफ मैनेजर हैं, रिटायर हो चुके हैं, एक्स चीफ मैनेजर हैं, इनके पास करीब 35 ईयर एक्सपीरियंस गाइस पंजाब नेशनल बैंक में। तीसरा गाइस मैं, तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का दोस्तों। तो हम तीनों का जो कॉकटेल है ना वो आपकी हेल्प करेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, हाउ डज इट वर्क, तो हमने आपको इस बैच कैसे काम करेगा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे वंस यू हैव परचेस द बैंक इंटरव्यू बैच, यू विल रिसीव अ लिंक ऑन योर मेल आईडी टू स्केड्यूल योर इंटरव्यू, जो मैंने पहले ही बोला था आपसे। ठीक, स्टेप टू, यू नीड टू प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स ऑन योर लिंक बींग शेयर्ड वाइल स्केड्यूलिंग योर इंटरव्यू दोस्तों। ठीक है, जब आपने अपना डेट दोस्तों जब भरोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने बारे में। हाँ, स्टेप थ्री, रिमेंबर टू बी इन प्रोफेशनल अटायर वाइल अटेंडिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ऑनलाइन इंटरव्यू को आप हल्के मत लीजिएगा, बिल्कुल प्रोफेशनली आपका इंटरव्यू होगा, तो जैसे आपके जेस्चर पोस्चर कपड़े होने चाहिए इंटरव्यू में, वैसे आपको पहनने और बातें करनी है। वंस द इंटरव्यू इज कंप्लीटेड, यू विल रिसीव द कंप्लीट फीडबैक ऑफ द इंटरव्यू ऑन योर ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गया। पांचवा दोस्तों, बधाई हो, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट मॉक इंटरव्यू, ऐसे आपका हुआ। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर क्या है दोस्तों, ये हम बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नीचे लिखा है फिल दिस फॉर्म टू एनरोल। गाइस अगर आप यहाँ पर देखिए अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल देंगे तो हमारी जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी ये बैच परचेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी कुछ डाउट आपको है तो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रहे मेरी बात, बैच परचेस करने की बात होगी तो आप इस पेज पर जाओगे या एनरोल करोगे,
और बैच में अगर दोस्तों आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन के बारे में तो आप इस पिन पे क्लिक करो। ठीक है, तो आई होप कि हम लोग क्लास से मिलने वाले हैं, वो काफी जोरदार हमारी क्लास होने वाली है आपके बेनिफिट के लिए। और दोस्तों वी विश कि हमारी क्लास से आपको फायदा मिले, आप सिलेक्ट हो और आप पूरी अकेडमी टीम को मिठाई खिलाएं इसके विश। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।